हेलो गार्डनर्स, आप सबका अपने चैनल माय ब्यूटीफुल रूफटॉप गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और जो दोस्त हमारे साथ अभी जल्दी जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है, एक हैंगिंग प्लांटर मैंने बनाया है वो भी वेस्ट मटेरियल से। वो मैंने कैसे बनाया वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे विनका कितने अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। ये नेक्स्ट ईयर के विनका हैं दोस्तों, और जो इस समय मैंने सीडलिंग की थी वो काफ़ी छोटी हैं, उनमें ब्लूमिंग सिर्फ एक या दो ही हो रही हैं। और मैंने आपको दिखाया था अपना कल एक डायनासोर प्लांटर, उसमें मैंने स्पाइडर प्लांट दिखाए थे। ये देखिए मेरा पुराना स्पाइडर प्लांट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बेबी स्पाइडर्स हो चुके हैं। ये देखिए इनको मैंने काफ़ी अलग भी कर चुकी थी और ये फिर से काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, इनको मैं फिर से अलग करूँगी। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको तो दिख ही गया, ये देखिए मेरा हैंगिंग प्लांटर जो मैंने बनाया है। और दोस्तों, इसको मैंने जो पानी की 2 लीटर की बॉटल आती है बिस्लेरी की, ये आपको ढक्कन से शायद पता चल जाए, और ये मैंने उससे बनाया है, जो बिस्लेरी की 2 लीटर्स की बॉटल आती हैं उससे मैंने इसको क्रिएट किया है। जो ये देख रहे हैं आप, ये जो डिज़ाइन मैंने बाल के जैसे रहने दिया है इसको, और यहाँ से मैंने कट कर दिया, और नीचे से देखिए इसके कैप पे मैंने ये होल किया है और इस पर टिक्कर रखी है, और इस पर ब्लैक कलर किया है, इस पर मैंने रेड एंड वाइट और थोड़ा सा येलो मिला के स्किन कलर किया है। और ये देखिए मैंने आई, नोज़, लिप वगैरह, और ये मेरी डॉटर के ही इयररिंग थी तो मैंने इसको, उसी ने कहा मम्मी इसको पहना दीजिए बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने देखिए ये इयररिंग भी इसको पहना दी है और सच में काफ़ी अच्छी लग रही है। दोस्तों, ऐसे प्लांटर में अगर आप कोई, देखिए मैंने तो मॉस रोज़ लगाए हैं, और इस तरह के प्लांटर में आप टर्टल वाइन लगा सकते हैं या फिर मनी प्लांट लगा सकते हैं, कुछ ऐसा लगाइए तो ये बहुत अच्छा लगेगा। टर्टल वाइन, जो वाइन जैसी थोड़ी सी नीचे गिरे, या सब सीडम की वैरायटी लगा सकते हैं जो कि मेरे पास भी है। ये देखिए ये जो वैरायटी है ये भी आप इसमें लगा देंगे तो ये लुक एंड वाइज ऐसा लगता है कि ये इसके हेयर्स हैं, और जब ये मेरी मॉस रोज भी काफ़ी ज़्यादा घनी हो जाएगी तो ऐसे ऐसे गिरेगी और ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। टर्टल वाइन आप लगा सकते हैं, बेबी सन रोज़ लगा सकते हैं, मनी प्लांट भी आप लगा सकते हैं, और एक ट्रेंगल हार्ट वाइन करके आती है वो भी आप लगा सकते हैं। वाइन मैं यही सजेस्ट करूँगी, वाइन के रूप में आप ये सब लगाइए। अगर आपको फ्लावर लगाने हैं तो आप मॉस रोज़ या पर्सलिन को लगा सकते हैं। देखिए ये काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, और ये मैंने ऐसे डोरी से इसको ऐसे हैंग करने के लिए बनाया है, और मैं इसको अपने इस एरिया पे इसको स्टे करूँगी। अभी ये डिसबैलेंस होगा थोड़ा, क्योंकि एक तरफ ये देखिए मैं इसको ऐसे स्टे करूँगी, और इधर मेरी एक बिस्लेरी की बोतल जल्दी खाली होने वाली है तो उससे मैं एक बॉय बनाऊँगी इसका जोड़ीदार। ये गर्ल हो गई और मैं एक बॉय बनाऊँगी सेम टू सेम। तो चलिए गार्डनर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये क्रिएशन कैसा लगा। ओके गार्डनर्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।